बढ़ते हैं दिल्ली से खबर। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले से जुड़ी अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, और इसके अलावा देखिए असद के एनकाउंटर की भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की गई थी। इस पूरी कहा जाए कि याचिका पर आज 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, अतीक अशरफ हत्याकांड और असद के एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। कुमार पुष्कल हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, आज इस याचिका पर जो है वो सुनवाई होने वाली है, क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है? देखिए मंसूरू, जून के अंतिम महीने में जो अतीक अहमद और अशरफ की जो बहन है आयशा नूरी, उनसे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई आज हो रही है। साफ तौर से उन्होंने ये कहा था, आरोप लगाते हुए, कि अतीक अशरफ की हत्या के लिए यूपी सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इसे स्वतंत्र तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। और क्योंकि उस वक्त अतीक अहमद अशरफ और उनके भतीजे की हत्या की गई थी, एनकाउंटर किया गया था, उसको लेकर इनकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में जून के अंतिम महीने में उन्होंने याचिका डाली थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार पुष्कल इस जानकारी के लिए। देखिए अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।